जय श्री राम। मैं आचार्य संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल भागवत गंगा पर। आज भागवत गंगा में हम लोग जानेंगे भागवत गंगा में कि कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में जो गौतम गोत्र है उसका क्या क्या सिस्टम है, किसका कितना विश्वास होता है, किसके कौन से पुरखा हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे बता दूँ, अगर आप इनके पुरखों की जानकारी विस्तृत चाहते हैं तो आपको 100 कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बताना होगा कि आप इस पर वीडियो बनाइए, तभी मैं इनके पुरखा कौन कहाँ से आए, कैसे क्या हुआ उसका भी वर्णन करूँगा। तो चलिए गौतम गोत्र की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुकुल हैं धनावली के, अगर गौतम गोत्र में त्रिपुर मर्दन अगर उनके पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। त्रिपुरारीपुर के अगर क्षेमकरण उनके पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। गहवर के तिवारी हैं अगर धनई हैं उनके पुरखा तो 2 विश्वा होगा। बादपुर के तिवारी हैं विजयी उनके पुरखा हैं 2 विश्वा होगा। बसनिहा के तिवारी हैं अगर अंगद उनके पुरखा हैं तो 5 विश्वा होगा। अग्निहोत्री हैं अगर कचलापुर के यदवंश अगर उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। अगर शुक्लापुर के अग्निहोत्री हैं हरिवंश उनके पुरखा हैं तो 1 विश्वा होगा। दुबे हैं भदेश्वरी के अगर भगवंत उनके पुरखा हैं तो 1 विश्वा होगा। गुलौली के भगवान दीन अगर पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। पाणे हैं चिलौली के अगर रूप राम उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। गुलौली के अगर पाणे हैं शिवलाल उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। पौखरा के मिसिर हैं अगर कंठमणि उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। पाणे हैं नवदशी के अगर कालेश्वर उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। हरिहरपुर के अगर पाणे हैं नागेश्वर उनके पुरखा हैं तो 3 विश्वा होगा। मिसिर हैं अगर जुगरपुर के परम सुख अगर उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। पौखरा के अगर पौखरा गौतमी के अगर मिसिर हैं महासुख उनके पुरखा हैं तो 2 विश्वा होगा। त्रिपुरारीपुर के अगर अवस्थी हैं मधई उनके अगर पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। गुगरपुर के भजनी हैं अगर 2 विश्वा होगा अवस्थी। नवलपुर के अवस्थी हैं अगर सीवंत उनके पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। बीरमपुर के अगर दुबे हैं मधकर उनके पुरखा हैं अगर तो 2 विश्वा होगा अवस्थी। अगर भोगीपुर के हैं जग उनके पुरखा हैं तो 4 विश्वा होगा। इस प्रकार पाँच पीढ़ी तक गौतम गोत्र में कुल 21 पुरखा वंश वृद्धिकर्ता माने गए हैं। अगर इनका वर्णन चाहते हैं कि किसका किसका कैसे कैसे है तो वो भी आप कमेंट करिए, 100 कमेंट करेंगे तो आपके सामने वो वीडियो भी प्रस्तुत हो जाएगी। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय सियाराम।